नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी स्टूडेंटों ने, कम से कम 7 स्टूडेंटों ने अभी तक फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे नाम रोशन किया है, इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी अपना नाम रोशन करें, ठीक है। तो आज की जो क्विज है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे, सर कुछ बैंक से रिलेटेड जो भी कुछ ऐसी वो हैं जिनकी फुल फॉर्म्स आती हैं उनको मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इनको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं करवा रहा हूँ आपसे। और आज 8 बजे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, 8 PM पर मेरी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर खुद मैं मौजूद रहूँगा। और जो भी आपको इस क्विज से रिलेटेड जानकारी है उस सब जानकारी मैं उसके अंदर दूंगा, ठीक है। टॉपिक भी मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ, और धीरे धीरे करके इस पे चर्चा करेंगे किस तरह से आपको इसकी आगे की जो तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्लास आप लेना बिल्कुल नहीं भूलें, शाम 8 PM, ठीक है, 8 बजे आप क्लास लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी, आप जो भी आपकी समस्याएं आप वहां पर बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्विज शुरू करते हैं और यहां देखें, सबसे पहले जो पहली जो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगला है HDFC, ये बैंक होता है लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HSBC, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ICICI बैंक है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे तो ये आई से स्टार्ट होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ ध्यान रखना सी से हो रही है, तो ऐसी आ सकती है, मोस्ट है ये। अगली है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये IDBI की फुल फॉर्म है। IFC कोड होते हैं बैंक में, इनकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंसिंग सिस्टम कोड, ठीक है। और ये तो आपसे पूछ सकता है, ये इस रिलेटेड तो आपकी क्विज ही है। INR, मैंने आपको बताया था इंडियन रुपए का ये प्रतीक चिन्ह है। NIFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर, ये इसकी फुल फॉर्म है। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये RTGS की फुल फॉर्म है। अगला है RBL, तो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, पैन नंबर की एग्जाम में पूछी गई है पिछले में और अभी भी पूछ सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर PO होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड पोस्ट ऑफिस। TDS की होती है टैक्स डिडक्टेड एट शोर। ECS की होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और ESI की होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये सारी मीनिंग है, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है सभी को, कोई भी आपसे एक पूछ सकता है, अभी नहीं ब्लॉक लेवल पे नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। IRDA, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। SEBI तो काफ़ी मोस्ट है, ध्यान रखें। SEBI का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन सब की फुल फॉर्म आप याद रखें। और देखिए कुछ और हैं, एक दो SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स एंड सिचुएशनरी। और लिक्विडिटी रेशो। और यह यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ये कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स थी बैंक से रिलेटेड, वो मैंने आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दी। और आप ध्यान रखें बिल्कुल 8 PM लाइव क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहे आप, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों,
फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।